हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड का चेन क्लीनर। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा कि चेन क्लीनिंग करने का प्रोसेस कैसा होता है और इसको चेन को लूप कैसे किया जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक के। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको चेन को साफ़ करना पड़ेगा एक अच्छे कपड़े से। आप उसको पूरा साफ़ कर लीजिए, इसके ऊपर जो ऑयल लगा रहता है या फिर डस्ट लगा रहता है उसको पूरा क्लीन कर लीजिए सबसे पहले। तो याद रखिए, कभी भी चेन साफ़ करते हो तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है आपको। हल्का हल्का उसका पीछे का टायर घुमाना है और चेन को आराम से हल्का हल्का साफ कर लेना है सबसे पहले। तो आप देख सकते हो चेन हमारी साफ़ हो चुकी है। अभी ये बस इनिशियली साफ़ हुई है, इसको अच्छे तरीके से क्लीन नहीं किया है। सो अभी हम इसको क्लीन करेंगे क्लीनर से। तो गाइज, हमारे पास है ये कंगारू का चेन क्लीनर। ये मार्केट्स में ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं चेन क्लीनिंग से। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हम इसको इसके चेन को क्लीन कर रहे हैं उसको स्प्रे करके। आपको क्या करना है, पूरा स्प्रे कर लेना है चेन के ऊपर इसको अच्छी तरीके से, देख सकते हो। तो इसके ऊपर हमने ये स्प्रे कर दिया है। अब इसके बाद ये जो ब्रश आपको दिख रहा है, ये इस ब्रश से क्या करना है, इसको साफ़ कर लेना है अच्छे से। तो गौरव भाई दिखाएंगे साफ करके। तो देखो, ऐसे आपको रखना है और ना हल्का हल्का पीछे का रियर टाइप घुमाना है, बस हल्का हल्का घुमाना है आपको और इसको बस ऐसे रखना है। तो अभी हम ये वाले साइड से चेन को थोड़ा ऊपर से क्लीन कर लेते हैं। दोनों तरीके से क्लीन करना पड़ेगा आपको, ऊपर से और साइड से भी क्लीन करना पड़ेगा। साइड में जो इसके जो ब्रश दिया गया है उससे आप ये अपना चेन का प्लेट साफ कर सकते हो। यहाँ पे भी डस्ट रहती है तो मेक श्योर इसको कभी भूलना नहीं, इससे भी साफ़ कर लेना। तो एक बार साफ होने के बाद फिर से आप इसको थोड़ा सा हल्का सा क्लीन कर सकते हो। आपको सबसे पहले तो प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन कर लेना है, एक या दो बार आप कर सकते हो। देन उसके बाद आपको गाड़ी को साफ कर लेना है। तो अभी गाड़ी को हमने पूरा धो दिया है और अभी वेट करना है गाड़ी सूखने का, क्योंकि चेन लूप का जो प्रोसेस है वो होता है गाड़ी सूखने के बाद। तो चलो मिलते हैं गाड़ी को सूखने के बाद। 2000 years later। तो गाइज, अभी अपनी जो गाड़ी है वो सूख गई है और सूखने के बाद अभी हम कर रहे हैं चेन को लूप। तो स्टार्ट करते हैं चेन को लूप करना। तो आप देख सकते हो, गाड़ी को धोने के बाद आराम से आप चेन को लूप कर लेना। पहले स्टार्ट करने से पहले ना इसको थोड़ा शेक कर लीजिए, फिर बाद में आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। तो देख सकते हो, ये हो रहा है चेन लूप। ध्यान रखिए, पूरे साइड से इसको आपको लूप करवाना है, ये स्प्रे करना है आपको। तो ध्यान रखिए, जब आपका चेन क्लीन और लूप हो जाए तो आपको गाड़ी को थोड़ा सूखने देना ये चेन को। और गाइस, एक अच्छी बात है इसमें, जो अगर आप चेन गाड़ी की चेन क्लीन करते हो, लूप करते हो, तो इससे आपकी गाड़ी की जो चेन की जो लाइफ है वो बनी रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ध्यान में रखिए। और गाइज, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थोड़ा सा भी आपको नॉलेज आया होगा तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू।